दोबारा से करेंगे एक दफा। ये देखें जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की जो सी वीडियो है वो जहूर भाई के जानवर के ऊपर है, तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी राय का जहार जो है वो कमेंट बॉक्स में करना है। और ये देखें जी जहूर भाई, ये सबसे पहले नस्ल बताएं कौन सी है। बीतल है भाई, और बीतल। ये जी माशाल्लाह बीतल नस्ल है, और शौक के लिए अगर कोई रखना चाह रहा जानवर तो इस तरह का आप रखें। ब्रीडिंग के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त है, और नकोड़ा चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। आप इसका नकोड़ा देखिएगा, ज़रा बड़ा ज़बरदस्त है जी, और वाइट आइज है जिसकी, और माशाल्लाह आप कलर भी देख सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। अगर किसी ने शौकिया तौर पर इसे रखना है तो ये वाला जानवर रखें, बड़े लेवल का है जी माशाल्लाह। इसकी उम्र कितनी है जरूरी? चार महीने, चार पाँच माह। चार से पाँच माह का जी माशाल्लाह। और बाकी आप इसकी हाइट और लेंथ देख सकते हैं, वीडियो में सही तरह अंदाज़ा नहीं हो पाता इसकी हाइट और लेंथ का। बाकी अब अगर आप हकीकी आँख से देखें ना तो जानवर माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, और अगर किसी ने शौक़ के लिए लेना है तो ज़रूर भाई से रब्ता करके शौक़ के लिए जानवर ले सकता है जी। ठीक है ज़रूर भाई, दूसरा जानवर इसे ज़रा चला के दिखा दें। ये देखें जी, है चेक करें दोबारा से करेंगे एक दफ़ा। ये देखें जी क्या बात है, माशाल्लाह बड़ा एक्टिव जानवर है। इसकी वीडियो एक अलग से भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, वो इस वीडियो के नेक्स्ट डे पे आएगी, यानी कि इस वीडियो से अगले दिन आएगी वो वीडियो, और आपको वो बताऊंगा कि काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं कि बिल्डर क्वालिटी का बच्चा कैसा होना चाहिए, तो उसके ऊपर वीडियो आएगी, काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। अच्छा हज़ूर भाई, ये नस्ल कौन सी है? बीतल है भैया। बीतल नस्ल है जी माशाल्लाह, और इसका आपने कोड़ा देखें। इसकी उम्र कितनी है जी? सात तो आठ माह। सात से आठ माह जी, ठीक है। और ये इस ईद पे लग जाएगा? लग जाएगा भैया। लो जी, इस ईद पे लग जाएगा। और मुंह से बताएं क्या जी? खीरा है भैया। पक्का खीरा है? पक्का खीरा। दिखाइए जरा, चेक कर सकते हो, खीरा है भैया। ठीक है जी, ज़बरदस्त है जी। और बाकी माशाल्लाह इसका ज़रूर भाई वज़न कितना है? इस टाइम है भैया जिंदा का वज़न 22-23 किलो। 22-23 किलो माशाल्लाह जी। बाकी इसकी हाइट और लेंथ चेक कर सकते हैं, वीडियो में सही तरह अंदाज़ा नहीं हो पाता, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और जानवर का जो सा साइज़ है वो 18-20 का भी फ़र्क हो सकता है। अच्छा ज़रूर भाई, ईद आ रही है आगे, ईद के लिए इसको तैयार करने के क्या तरीके क्या, यानी कि क्या क्या चीज़ें देंगे, यानी कि माशाल्लाह वज़न गेन करे ये? ये वज़न ठीक करने वास्ते चौकर थोड़ा जैल मिला दो, सही मल के खवाई हो एक छटांग, सही है। देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देसी घी भी, कोई लोग ऐसे होते हैं उनको ना घर के लस्सी होती है, मैं जाके वो पिलाइए, बहुत बढ़ जाएगा और अच्छा बनेगा। सही है जी, ज़बरदस्त है जी। ठीक है, इसे ज़रा चला के दिखाएं, ये भी ज़रा उछलता है या नहीं? माशाल्लाह इसका कान देख सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है जी। ठीक है, छोड़ दें ज़रा, और नेक्स्ट जानवर भी आ गया जी, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये शेरा नस्ल में है जी। जी जी दोस्तों, माशाल्लाह ये शेरा नस्ल आ चुकी है जी। अच्छा ज़रूर भाई, इसकी सबसे पहले उम्र बताएं भाई। इसकी उम्र है 6 माह। 6 माह जी माशाल्लाह इसकी उम्र है। और इसका वज़न कितना होगा माशाल्लाह भैया? तकरीबन 18-20 के दरमियान होगा। तो जी 18-20 के दरमियान होगा इसका वज़न माशाल्लाह। और अभी यहाँ से आपको यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा होगा, बाकी यार साइज़ का आपको फिर बता रहा हूँ कि 18-20 का भी फ़र्क हो सकता है, अगर हकीकी आँख से देखा जाना तो फिर माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। बाकी जरूर भाई, कार्गो का क्या सीन है भैया? कार्गो का सिस्टम है कि तब बंद है, कोई मेरा भाई आके देख के खरीदना चाहे तो ले सकता है, लेकिन बाकी कोई डन हो जाएगा किसी नाल तो जिस टाइम कार्गो खुले की गल देवांगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, जरूर भाई का ये कहना था कि अभी कार्गो वगैरह का जो सा सिस्टम है वो बंद है पूरे पाकिस्तान में, अगर कोई दोस्त भाई लेना चाह रहा है तो उनका फार्म आके खुद विजिट करे, तो इनसे इनका रब्ता नंबर मैं नीचे लगा दूंगा, इनसे रब्ता करके आइएगा, और अगर कोई जानवर ख़रीदना चाह रहा है तो इनसे खरीद सकता है। जरूर भाई अपनी लोकेशन वगैरह बताइएगा ज़रा। सहीवाल तो आगे है, 98-9 लक्का वाला पेंट मेरा। सही है जी, 98-9 लक्का वाला। और माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं ये शेरा नस्ल है, और इसका नकोड़ा भी देखें, बड़ा ज़बरदस्त। इसे ज़रा चला के दिखाइएगा ज़रूर। ये
जबरदस्त है जी, ठीक है छोड़ दें जी। और ये देखें जी माशाल्लाह प्योर अंबरसरी आ गया है जी। और माशाल्लाह इसकी कान देखें जी माशाल्लाह, नकोड़ा चेक करें। अच्छा जोर भाई, इसकी उम्र कितनी है? ये ने 4 से 5 माह का है। 4 से 5 माह का जी माशाल्लाह। और इसका वजन कितना होगा? ये भैया होगा 15-16 किलो का। 15-16 किलो माशाल्लाह। अभी आपको करीब से दिखा दूँ और माशाल्लाह इसका वज़न 15-16 किलो होगा। और आप हाइट और लेंथ चेक कर सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त है जी, बड़ा खूबसूरत जानवर है जी। ठीक है जोर भाई, इसे ज़रा चला के दिखाएं। और जोर भाई का नंबर नीचे आ रहा होगा, जिस सामने लेनी है आप इनसे रब्ता कर लीजिएगा। और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और माशाल्लाह जी, ये नस्ल कौन सी है जी जोर भाई? काला डब्बा बीतल है। ये जी बीतल नस्ल है, काला डब्बा है। और इसकी उम्र कितनी है? उम्र है 5 माह जी माशाल्लाह। और बाकी आप जो सा है कलर प्रिंट वो देख लें जी, बड़ा खूबसूरत है जी, और वाइट आइज में है जी। बाकी यार आइज का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लोग बस ज़्यादातर वाइट आइज पसंद करते हैं। ऐसे ही है जोर भाई? हाँ जोर भाई कह रहे बिल्कुल ऐसे ही है। तो जरूर, इसका वज़न कितना होगा भैया? ने होएगा 14-15 किलो का। 14-15 किलो का। बाकी ये बताएं दोस्तों को, जितने भी आपने जानवर दिखाए उसमें सिर्फ एक ही है कुर्बानी पे लगने वाला? एक ब्लैक वाला। इस कुर्बानी पे लगने वाला? ठीक है जी, एक ही है ब्लैक जो सा है वो कुर्बानी पे लगने वाला। और बाकी माशाल्लाह इसका आप नकोड़ा देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत है जी, ये देखें जी। ठीक है जोर भाई, इसे भी चला के दिखा दे। जी जोर भाई, ये नस्ल बताएं जी कौन सी है? प्योर नागरा भैया। जी नागरा है जी माशाल्लाह। और बाकी आप इसकी हाइट और लेंथ चेक कर सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त है जी। अच्छा जोर भाई, इसकी उम्र कितनी है? भैया ने 6 माह उम्र है। 6 माह जी इसकी एज है। और बाकी आपके सामने है, इसका वज़न कितना होगा जी? होएगा 18-19 किलो का माशाल्लाह, ज़बरदस्त है जी। और बाकी सबसे पहले जी आप इसका नकोड़ा देखें जी, बहुत बड़ा ज़बरदस्त है जी, और चिपटी सींगी, वाइट आइज, ज़बरदस्त है वाइट आइज और चिपटे सींग है माशाल्लाह। और बाकी आप कलर जो है आपके सामने ही है बिल्कुल। ठीक है जरूर भाई, इसे ज़रा चला के दिखा दें। और बाकी माशाल्लाह ये मुकम्मल एक्टिव है, बाकी आप इसकी चाल भी चेक कर सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त है जी। ठीक है दूसरा ले आए। ये देखें जी माशाल्लाह, दूसरा जानवर आ गया। जरूर भाई, ये नस्ल कौन सी है? ये भैजन अंबरसरी प्योर मादी है भैजन। अंबरसरी प्योर मादी है जी, ठीक है। और इसकी उम्र कितनी होगी भैजन? इनकी उम्र है 5-5.5 माह, यानी कि 5.5 माह तक की होगी। और माशाल्लाह इसका वज़न कितना होगा? ये है जिंदा का वज़न होना है 17-18 किलो। सही है, ज़बरदस्त है जी। और सबसे पहले जी इसकी आइज़ देखें, जौन सी लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं वाइट आइज़, आइज का कोई इशू नहीं होता, ज़्यादातर लोग जौन से हैं वो वाइट आइज़ पसंद करते हैं जी। तो दोस्तों जहूर भाई के पास आ गई है जी नागरा डब्बा, ये फीमेल है जी? हाँ जी फीमेल। फीमेल है जी। सबसे पहले आप इसकी जौन सी है आइज़, जौन सी ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं वाइट आइज़, वाइट आइज़ और येलो आइज़ का कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है जितना वाम ने बनाया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जौन सी वाम है वो वाइट आइज़ पसंद करती है, ऐसा ही है? हाँ जी भैया। अच्छा जरूर भाई, इसकी उम्र कितनी है? भैया ने 5-6 माह। 5 से 6 माह जी माशाल्लाह। और बाकी जौन से हैं इनके कान देख लें जी आप, बड़े लंबे और चौड़े हैं। और नकोड़ा भी देख सकते हैं, बड़ा प्यारा है। और जौन सा कलर प्रिंट है वो जी नागरा डिब्बा है जी, ब्राउन के ऊपर वाइट है माशाल्लाह डिब्बे वगैरह। तो जोर भाई, इसकी उम्र कितनी है? 5.5 माह। 5 से 6 माह जी, ठीक है। और माशाल्लाह जोर भाई, ये किस उम्र में जाके आप इसे क्रॉस करवाएंगे? 8 से 9 महीने क्रॉस हो जाएगी, यानी कि अगर धोंदी क्रॉस करवाई जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर नहीं है? बेहतर है, लेकिन 8-9 महीने की सही जिन्हें दूध पीते हो सही समझी हो जाती है। सही है जी, यानी कि जौन सी अच्छी
तगड़ी हो वो 8-9 माह की उम्र में जाके क्रॉस हो जाती है। ठीक है जरूर भाई, इसका वजन कितना होगा माशाल्लाह? ये इसका वजन होएगा 18-19 किलो जी माशाल्लाह इसका वजन है। और ठीक है जी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जानवर है, बाकी आप माशाल्लाह देख सकते हैं मुकम्मल एक्टिव है, चारा खाने वाली है। ठीक है जोर भाई, अपना ना नंबर शेयर कीजिएगा ज़रा। 0311 भैया जी 74 जी 39198 एक दो बार दोबारा से बोलिएगा। 0311 74 39198 0311 74 39198 व्हाट्सएप और कॉल दोनों मौजूद है इस नंबर पे। तो बाकी जोर भाई कार्गो का क्या सीन है फिर से एक दफा बता दें आवाम को। कार्गो का सिस्टम एक तो बंद है 14 तारीख तक बाद खुलता है ट्रेन या जो ही होएगा भाई दस दिन कोई मुश्किल नहीं। कोई भाई आप खरीदना चाहता है तो आपके वेख के देख के ले जाए। हाँ वो बिल्कुल सही बात है, अगर किसी ने लेने आके जानवर तो खुद आके तसल्ली करें ना के वीडियो से नहीं इतनी तसल्ली होती जितना बंदा खुद जाकर की आँख से देखना ले। तो ये था जी जोर भाई का माल जो सा मैंने आपको दिखाया, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन उसे लाजमी दुआएँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।